आपका फोन आपकी बातें सुनता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपका फोन आपकी बातें सुनता है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप अपने दोस्त से बंद कमरे में बात कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट का एड अचानक से इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते आपको दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा देखकर आप हैरान भी हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है मेरे फोन ने मेरी बातें सुन ली और वही एड दिखाने लगा। दोस्तों, कई टेक्निकल इंजीनियर ये मानते हैं कि ये प्रक्रिया एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, ये आपकी प्राइवेसी का हनन है। इसीलिए इस वीडियो में हम गूगल की वो सेटिंग बताने वाले हैं जिसके माध्यम से समस्या का निदान तत्काल और आसानी से हो जाएगा और आप अपनी प्राइवेसी सामाजिक रूप से लीक होने से आसानी से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या किसी एक्सीडेंट या आकस्मिक घटना का शिकार हो जाते हैं, जिस स्थिति में आप बेहोश हो जाते हैं या फोन चलाने की हालत में नहीं होते हैं, तो फोन में लॉक लगे होने के कारण सामने वाला व्यक्ति आपकी हेल्प कैसे करे ये समझ नहीं पाता। ऐसे में आप अपने फोन में इस एक सेटिंग को कर लें जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे सामने वाले को आपका पासवर्ड तो नहीं समझ आएगा, लेकिन इमरजेंसी नंबर जैसे आपके पापा, मम्मी, भाई बहन को कॉल वो व्यक्ति जरूर कर लेगा। कौन सी है वो सेटिंग आपको बताएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 5 मिनट तक ही बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर यूजर्स को ये परेशानी हो रही है कि गूगल उनकी बातें सुनता है। आप जो सोचते हैं वही गूगल सजेशन में आता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो ये कुछ सेटिंग है जिसे अपनाकर आप अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में आपको जाना होगा। नीचे स्क्रॉल करें और गूगल के ऑप्शन पर जाएं। यहां गूगल की सेटिंग पर क्लिक करें। यहां आपको गूगल प्रोफाइल शो हो रही होगी। यहां मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी सेक्शन में जाएं। यहां आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर जाएं। यहां पर आपको सब सेटिंग के ऑप्शन में इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो एक्टिविटी का ऑप्शन शो होगा, इस पर टिक हो रखा है तो इसे हटा दें। गूगल के टर्म ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करें। इससे आप जो भी बोलते हैं उसका एड आपको फोन पर नहीं दिखाई देगा जब तक कि आप सर्च ना करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपका फोन लॉक आपके लिए मुसीबत बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें हम अनजान जगह पर चलते हैं और अचानक हमारी तबीयत बिगड़ जाती है या हम बेहोश हो जाते हैं और फोन चलाने की हालत में नहीं होते हैं। ऐसे में किसी दूसरे शख्स को आपकी मदद के लिए सामने आना पड़ता है, लेकिन अगर आपके फोन में पासवर्ड लगा है तो ये दिक्कत खड़ी कर देगा। किसी को आपके फोन का लॉक नहीं पता होगा तो वो आपको फोन से इमरजेंसी नंबर को कॉल नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे बचने के लिए आपको फोन में एक सेटिंग करनी होगी जिसके बाद फोन का लॉक कोई खोल पाएगा या नहीं, पर आपके फोन से इमरजेंसी नंबर यानी आपके पापा, मम्मी या भाई बहन को आराम से वो व्यक्ति कॉल जरूर कर लेगा। ऐसे में अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप अपने फोन में इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप SOS इमरजेंसी फीचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमरजेंसी SOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मिलता है। ये एक इमरजेंसी फीचर है। इसके जरिए बिना फोन को लॉक खोले सेकंड में कॉल की जा सकती है। इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड नंबर डालने होते हैं जिन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में मदद के लिए सबसे पहले बुलाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सेटिंग के लिए, चलिए बताते हैं। दोस्तों, फोन में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में आपको जाना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी या सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर इमरजेंसी SOS के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इमरजेंसी नंबर्स पर क्लिक करें और एड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद इसमें आप जिन नंबर्स को सेव करना चाहते हैं वो नंबर ऐड करें। अब अगर आप इस इमरजेंसी SOS को यूज करना चाहते हैं तो फोन के पावर बटन को 3 बार दबाएं। इसके बाद आपके सेव किए गए कॉन्टेक्ट के पास आपकी जानकारियां पहुंच जाएंगी। इस फीचर के साथ आप मुसीबत के समय फोन को बिना अनलॉक किए भी अपनों को सेकंड में कॉल कर सकते हैं।
फोन के अलावा इस सेटिंग में इमरजेंसी मैसेज, फोटो और 5 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्डिंग अटैच करने की सुविधा भी उपलब्ध है। फोन में इमरजेंसी SOS के साथ 112 इमरजेंसी नंबर पहले से ऑन होता है। हालांकि यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक इस सेटिंग में खुद के कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकता है। इस तरीके से आप अपने आईफोन में भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आसान से टिप्स जिसे आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं। फिलहाल अगर आपने अभी तक ये सेटिंग अपने फोन में नहीं किया है तो फटाफट जाकर इस सेटिंग को जरूर करें। मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।